क्यों रे महूस, यहाँ बैठा है? बर्तन की तरफ बॉक्स साफ पड़ेगा। और हाँ, ये अच्छे से साफ करना, वरना तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझा तू? काजल, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, मैं आती हूँ। आकाश, अपने चाचा के लिए एक गिलास पानी लेकर आना। अभी लाया। लो चाचा जी। अरे ओ गवार, तुझे दिखता नहीं है? ये देख, गिलास कितना गंदा है, साफ करके नहीं देखा? रुको चाचा, अभी साफ करके लाता हूँ दोबारा। देखो, इस जाहिल मनहूस को इतना सताओ कि ये घर से चला जाए। इसके घर से निकल जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चल जाके अब काम कर। चलो काजल, खाना खाते। काजल, ऑफिस में मेरा कुछ काम है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? चाची, अभी जाता हूँ। क्या हुआ काजल? देखो इसने क्या किया है। मेरे पापा ने कराई थी मेरे लिए, इसने मेरे बचपन की यादें तोड़ दी। इसे मैंने संभाल कर रखा था और इसने तोड़ दी। देखो, इसे इस घर से बाहर निकालो, वरना ये इस घर को ना कबाड़ी की दुकान बना देगा। आज इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी, कल को क्या पता क्या क्या तोड़ेगा। ठीक है काजल, चल रे, निकल इस घर से। चाचाजी, मुझे इस घर से मत निकालो। आपके सिवा मेरा कौन है? क्यों रे, अब ज्यादा ही बोल रहा है? तुझसे अच्छे से तो कोई काम करना आता नहीं है, तुझे फोकट में खाना कौन खिलाएगा? तेरा बाप, निकल चल इस घर से। हाँ भाई, दो प्लेट बढ़ा कर देना। कुछ खाने को दे दो। मैंने दो तीन दिन से कुछ नहीं खाया। अरे गरीब, तू फिर से आ गया हमारे पास? मैंने अभी तक खाना नहीं।
तुमने सारा मूड ही खराब कर दिया। आओ चलते हैं। अरे वो गरीब, तेरी औकात कैसे हुई मेरे ठेले पानी? दुकानदारी खराब कर दी तूने, चल निकल यहाँ से। पता नहीं बच्चा है या कौन है, किसका बच्चा है, चलकर देख। पीछे तो बहुत तेज बुखार है, बेहोश भी है, इसे घर ले जा रहा हूं। बेटा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप कौन है? मेरा नाम आकाश है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बताओ बेटा, तुम इस रास्ते पर कैसे पड़े और क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? मेरे साथ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ठीक है बेटा, आज से तू मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। ठीक है फिर बेटा, चलो अपने खेतों में चलते हैं। अच्छा बेटा ठीक है, ले आओ पानी। बेटा एक काम कर, तुझे डूब गुड़ल डूब भी और मैं साफ कर दे रहा हूं। बेटा चलो अब जाके सफाई आ गई, काम भी होने को जा रही है, खाना खाना खाऊंगी। पापा सारे खेतों में जुताई हो गई। ठीक है बेटा, ऐसा कर तू पहले खाना खा ले, उसके बाद सारे खेतों में बीज भी बोना है। ठीक है पापा। सर आकाश क्या ही रहते हैं? पहले आप बैठो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ आकाश यहीं रहता है, बोलो क्या काम है? पहले आकाश को बुलाओ, उसके बाद बताते हैं। अरे आकाश बेटा इधर आओ, ये देखो ये कौन है।
हाँ पापा, बोलो क्या काम था। ये लो आकाश की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। आज से 18 साल पहले आकाश के पापा ने आकाश के नाम वसीयत कराई थी और आकाश पूरे 18 साल का हो चुका है और ये अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं हकदार है। चलो आकाश, हम आपको आपकी प्रॉपर्टी दिलाते हैं। नहीं वकील साहब, हमें मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। नहीं बाबा, हमें उनको औकात दिलानी है। चलो वकील साहब, चलते हैं फिर। नीरज राम है, घर पर है क्या? कौन हो आप लोग? हम वकील हैं। आई हरल राम। नीरज राणा, इस घर को खाली कर दो। ये प्रॉपर्टी आकाश के नाम है। आज से 18 साल पहले आकाश के पापा ने आकाश के नाम वसीयत की थी। ये देखो कागज। चलो पाया, अपना सामान पैक कर लो। रुको, हम आपको इस घर से नहीं निकालने आए, हम तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आए। वकील साहब, लाओ आकाश की प्रॉपर्टी के सारे कागज। आकाश की सारी प्रॉपर्टी के कागज इन्हीं को वापिस दे दो, क्योंकि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। चल बेटा आकाश, चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वाई जय हिंद जय भारत।